अफसोस है मिस्टर रवि, मैं आपको इस नौकरी पर नहीं रख सकता। आप कुछ ज्यादा ही क्वालिफाइड हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन मेरी एक मजबूरी थी, इसीलिए मैं चाह रहा था कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। खैर, कोई बात नहीं। हेलो, अगले उम्मीदवार को अंदर भेजिए। रिया वर्मा। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए। कल के अखबार में मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा। आपको अपने बेटे के लिए एक टीचर की जरूरत है। ये रहा मेरा बायोडेटा और बाकी सर्टिफिकेट्स। मुझे यकीन है सर कि आप मुझे इस नौकरी के काबिल पाएंगे। मिसेज रिया वर्मा, आप इस नौकरी के काबिल तो हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। मेरा बेटा कीर्ति जन्म से ही बीमार रहता है। अभी तक तो वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन अब स्कूल जाना उसके बस की बात नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई बंद हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि उसे प्राइवेट ट्यूशंस दिलाई जाएं। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ सर, इससे पहले भी मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। दूसरी बात ये कि मैं अंगोर में रहता हूँ। अंगोर सर? अंगोर, वो जगह यहाँ से 380 किलोमीटर दूर जंगलों के पास है। वहां कोई शहर की चहल पहल तो है नहीं, और आपको अपनी नौकरी के लिए हमारी हवेली पर ही रहना पड़ेगा। शहरी जीवन से दूर क्या आप रह पाएंगी? सच बात तो यह है सर कि मैं खुद इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। जंगल के पास शांत हवेली, यही सब तो चाहिए था मुझे। मैं समझा नहीं। कोई भी इंसान ऐसी सुनसान जगह पर नौकरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, तो फिर आप वहां क्यों जाना चाहती हैं? सर, 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई थी। मेरे लिए इस बात को भुला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस नौकरी के लिए मैंने अर्जी की है। मैं अच्छी तरह जानता हूं किसी अपने को खो देने का दुख क्या होता है। मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। तनख्वाह के बारे में तो आप इश्तिहार में पढ़ ही चुकी हैं। आप अगले सोमवार से काम शुरू कर सकती हैं। यहां से ट्रेन रात को अंगोर स्टेशन पहुंचती है। मेरा ड्राइवर आपको स्टेशन पर लेने आ जाएगा। मैं आपको हवेली में ही मिलूंगा। मुझे यकीन है वहां आपको मन की शांति जरूर मिलेगी। मिसेज रिया वर्मा, सो जाना चाहिए था, है ना? मैम साहब, आपका सामान रखा दिया है। हाँ, एक मिनट, मैं जरा कीर्ति से बात कर रही हूँ। वो तो अंदर है। अंदर है? तो फिर ये कौन है? आप अंदर आइए। अरे, कहाँ चला गया?
आइए आइए रिया जी, प्लीज वेलकम। ये है मेरा बेटा कीर्ति। कीर्ति, ये रिया जी हैं, तुम्हारी नई टीचर। आज से यही तुम्हें पढ़ाएंगी। हेलो कीर्ति। कीर्ति बहुत जल्दी थक जाता है, इसलिए जल्दी सो जाता है। रामू से तो आप मिली चुकी हैं? जी। ये है वाणी, हमारी हाउसकीपर। नमस्ते। शैला घर का खाना बनाती है। और ये है अशोक, आपका कोई छोटा मोटा काम हो, वो मार्केट से कुछ खरीदना या लेटर वगैरह पोस्ट करना, ये कर देगा। जी। और ये रही घर की चाबी, आप जब चाहें आ जा सकती हैं। अशोक। जी सर। कीर्ति को उसके कमरे में सुला दो। जी सर। जाओ बेटा। घर में और लोग भी हैं ना? और लोग? जी हाँ, पहले माले पर जो कोने वाली खिड़की है ना। कोने वाली खिड़की? हाँ, वहाँ मैंने एक महिला को देखा था, वो यहाँ पर दिखने रही। किसने खोला उसे? लेकिन सर, वो खिड़की तो बंद है। देखिए, मैं नहीं जानता आपने किसे देखा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, यहाँ और कोई नहीं रहता। लेकिन मैं जब अंदर आई तो वो मुझे देख रही थी, और हाँ, बाहर एक लड़का भी खेल रहा था, अचानक वो गायब हो गया। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक लड़का है, कीर्ति मेरा बेटा, जिससे आप मिल चुकी हैं। रही बात किसी औरत को देखने की, तो जरूर आपको गलत फहमी हुई है, या फिर आपने शैला या वाणी को देखा होगा। मेरे ख्याल से आपको आराम की जरूरत है। वाणी, रिया मैम साहब को इनका कमरा दिखा दीजिए। आइए मैडम, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ। मैडम, इस कॉरिडोर के आखिरी का जो कमरा है ना, वो आपके लिए रखा है, और मैंने उसे अच्छी तरह से साफ किया है और आपका सामान उसमें रखवा दिया है। ये वही कमरा है ना, जिसकी खिड़की मुझे बाहर से दिखाई दी थी। हाँ, लेकिन आप देख रही हैं ना, ये तो इसे ताला लगा हुआ है, ऐसे ही बंद है। तो मैंने उस खिड़की में किसको देखा? वो जरूर इसी कमरे की खिड़की थी, या हो सकता है शायद मुझसे कोई भूल हो गई हो। चलेंगे मैडम? हाँ। मैडम, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। गुड नाइट मैडम। मुझे बहुत जल्दी लगा, खोलो ना।
खोलो ना, दरवाजे खोलो। क्या कर रहे हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर आने दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बहुत सर्दी लग रही है ना? हाँ, मैं अभी खोलती हूँ दरवाजा, अभी आई। रुको रुको, प्लीज प्लीज जल्दी खोलिए ना, मुझे बहुत ठंड। हाँ मैं आई, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं अभी खोलती हूँ दरवाजा। अरे कहाँ गया? अरे यहाँ कोई नहीं है मिसेस रिया, आप ही बताइए, कोई दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? लेकिन वो यहीं पर तो था, मैंने अपनी खिड़की से उसे देखा था, वो सर्दी के मारे रो रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ साहब? रामू तुम तो बाहर सो रहे थे ना, क्या तुमने किसी को बाहर से अंदर आते देखा या दरवाजा खटखटाते हुए देखा? नहीं साहब, मैं अपने परिवार वालों को चिट्ठी लिख रहा था, इतने में आपकी आवाजें सुनाई दी, ये सोच कर कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मैं जल्दी से यहाँ चला आया। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो यहाँ पर था, और वो वही लड़का था जिसे मैंने रस्सी कूदते हुए देखा था। उसने सफेद रंग की कमीज और ग्रे हाफ पैंट पहनी थी, उसके एक हाथ में स्कूल बैग था और दूसरे हाथ में कूदने वाली रस्सी थी। मेरे नौकर तो कहीं आपके कान नहीं भर रहे हैं? नहीं नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, देखिए मिसेस रिया, ये एक पुरानी हवेली है और इस तरह की पुरानी इमारतों के बारे में अफवाहें उड़ाना लोगों की आदत सी हो गई है। मैंने सोचा शायद किसी ने आपसे कुछ कह दिया होगा और आपने डर के मारे कोई बुरा सपना देखा हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है लंबे सफर की वजह से आप काफी थक गई हैं। आप जाके अपने कमरे में आराम कीजिए और फिर कल सुबह कीर्ति को पढ़ाना भी है। जी जाइए। खिड़की से उसे देखा था, मुझसे मदद मांग रहा था, अंदर आना चाहता था, नीचे आकर देखा तो गायब हो गया। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था। कविता पढ़ेंगे, बंजारा। अरे ये तो मुझे अच्छी तरह से आती है। अच्छा बोलो। मैं बंजारा ले एक तारा, घूमा भारत सारा। ओके बच्चों, तो तुमने इसे रट लिया है। लेकिन कल सुबह मैं तुम्हें इस कविता का अर्थ पूछूंगी। मैडम मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, वैसे भी तुमने काफी पढ़ाई कर ली है आज, थोड़ा सा आराम भी कर लो। कीर्ति एक बात बताओ, तुम कभी बाहर घूमने नहीं जाते? जाता हूँ। कहाँ? यही पास में एक जंगल है ना, वहाँ। जंगल में? मुझे भी जाके देखना चाहिए। Thank you.
मल्लिका, आपके चलने की आवाज सुनी, सोचा जंगल में कौन आया। अभी अभी आप मेरा पीछा करी थी ना। मैं तो यहाँ से आ रही हूँ। आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। माफ कीजिए, मैं जरा घबरा सी गई थी। मेरा नाम रिया है, मैल्कम विला में एक लड़के की टीचर बनकर आई हूँ। यहाँ पास ही में है वो, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर। तब तो हम पड़ोसी हुए। मेरा घर भी वही पास ही में है। अच्छा, मेरे पिताजी वहाँ रहते हैं। मैं शहर में नौकरी करती हूँ, छुट्टियों में यहाँ आ जाती हूँ। आप मालकम विला में किसी लड़के की टीचर बनकर आई है ना। हाँ। तो आप ठहरी भी वही होंगी। हाँ। किस तरह के लोग हैं वहाँ पर। मिस्टर प्रकाश हैं, फिर उनका बेटा कीर्ति और कुछ नौकर चाकर। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? बात यह है कि मेरे माँ बाप ने मुझे हवेली के पास जाने से भी मना किया है। नौकर चाकर उस हवेली को डरावना समझकर वहाँ काम करने से कतराते हैं। हो सकता है कि मिस्टर प्रकाश इतने मिलनसार नहीं है तो लोगों ने उनके बारे में अफवाहें उड़ाई होंगी। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ, काफी देर हो चुकी है, अंधेरा भी होने को आया है, मैं भी निकलती हूँ। धक्का देके घर के अंदर घुस गया। मगर हमने तो किसी को नहीं देखा। हाँ, वो अभी घुसा घर के अंदर मुझे धक्का देके। देखो, उसके कदमों के निशान भी हैं। मतलब है वो जो कोई भी था वो इस दरवाजे से अंदर चला गया। हाँ। लेकिन इस पर तो ताला लगा है। मिसेस मैडम, मैडम कहाँ खो गई आप?
सॉरी कीर्ति, मैं कुछ और ही सोच रही थी। देखो बेटे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज हम मैथ्स या पोइट्री नहीं करेंगे, ओके? बेटा आज हम ड्राइंग कर ले। अच्छा बेटे, तुम ये फल बना सकते हो? हाँ। बनाओ। ये कैसे हो सकता है? मैंने जो देखा वो गलत कैसे हो सकता है? क्या ये मेरा वहम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति की मौत का मेरे ऊपर गहरा असर हुआ है? नहीं नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन ये वाली बहुत अच्छी है। लेकिन ये वाली तो मैंने नहीं बनाई थी। तुमने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई? तरुण, ये किसका नाम लिखा है तुमने कीर्ति? और थैंक यू किस बात का? तरुण। हाँ तरुण। ये सब क्या हो रहा है कीर्ति? अब तुम रोज ये कौन कौन से नए खेल खेल रहे हो? लेकिन मैंने नहीं बनाई, कसम से डैडी, मैंने ड्राइंग नहीं बनाई है। और फिर मैं क्यों लिखूंगा? थैंक यू तरुण। तुम्हारे अलावा ये और कौन कर सकता है? तुम अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ, जाओ। वो लड़का कौन है जो मुझे दिखाई देता रहता है? क्या वो हवेली में रहता है? और फिर वो खिड़की में दिखाई देने वाली औरत कौन है? मिस्टर प्रकाश ने उसे सबकी नजरों से छुपा कर क्यों रखा है? लगता है मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और अगर मैंने जो देखा वो सपना है तो फिर ये क्या है? देखो, अगर इसे कीर्ति ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? और ये तरुण का नाम किसने लिखा है? और ये धन्यवाद किस लिए? इसका क्या मतलब है? तुम कह रही थी कि कोई लड़का पहले दिन से अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा है, और बाद में तुमने जब दरवाजा खोला तो कोई अचानक तुम्हें धक्का देकर अंदर आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो लड़का तरुण है और मेरी वजह से वो घर में घुस पाया, इसलिए उसने मुझे धन्यवाद किया है। लेकिन वो है कहाँ? और ये भी कैसे हुआ कि मेरे अलावा उसके पैरों के निशान और किसी को नहीं दिखाई पड़े? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मरेगा मैं, पागल हो जाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस हवेली से सब लोग दूर रहते हैं। शायद यही वजह होगी। मैं आज ही अपने पिताजी को जाकर पूछूंगी कि आखिर इस हवेली में ऐसा होता क्या है। मिसेज रिया, आप? मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। कहाँ चली गई थी आप? मैं जरा जंगल में घूमने चली गई थी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं मिस्टर प्रकाश? पास वाले शहर में मुझे कुछ काम है, कल सुबह तक शायद वापस आ जाऊँ। ठीक है मिसेज रिया, कीर्ति की तबीयत कुछ ठीक नहीं। हाँ, आज मैं उसे आराम करने दूंगी, कल से पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है। वाणी, ये रही घर की चाबियां, संभाल के रखना। मेरे पास मेरी चाबी है। ओके मिसेज रिया। मैडम, रात काफी हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ। आप थोड़ी देर और रुकेंगे यहाँ? नहीं, बहुत देर हो चुकी है,
मैं भी ऊपर जाऊंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो मैं लाइट्स बंद कर देती हूँ। ठीक है। मुझे ही कुछ लगा होगा। तुम जाओ वाणी। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? देखो, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो ना, अब एक अच्छी सी ड्राइंग बना। जवाब क्यों नहीं दे? तो वही लड़का है जिसे मैंने बाहर देखा था जब मैं यहां आई थी। वही लड़का है, ये वही है
तो वही औरत है जिसे मैंने खिड़की में देखा था, और ये वही लड़का है जिसे मैं बार बार देखती हूँ। पर ये लोग हैं कहाँ? आवाजें तो इसी तरफ से आ रही थी। रिया, रिया, मल्लिका, रिया, 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 जल्दी से नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ जरूरी बात करनी है। हाँ, अभी आई। मल्लिका, रिया, मैंने अपने मम्मी डैडी से इस घर के बारे में पता किया। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? इस घर का मालिक है ना प्रकाश, उसे 11 साल पहले अमृता नाम के विधवा से शादी की थी। उसका एक बेटा भी था जिसे प्रकाश ने गोद लिया था, लेकिन 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 प्रकाश अमृता को उसकी शादी से पहले से ही चाहता था, मगर अमृता ने उसके प्यार और शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पर अमृता ने अपने पति की मौत के बाद प्रकाश के साथ शादी तो की थी ना? शादी तो की थी, लेकिन प्रकाश ये बात भूल नहीं पा रहा था कि अमृता ने पहले उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था, और इस बात का गुस्सा उसने अमृता के बेटे तरुण पर निकाला। तरुण? प्रकाश तरुण के साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आता था। उसकी छोटी सी छोटी गलती के लिए उसे सजा देने लगा था। अमृता की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो भी प्रकाश से डरने लगी थी। हर रोज तो तरुण 5 बजे तक स्कूल से वापिस आ जाता था, लेकिन लेकिन उस दिन वो 10 बजे तक घर पर नहीं लौटा। प्लीज प्रकाश, कुछ करो, जाकर तरुण को ढूंढ कर लाओ, उसे तो कब से वापस आ जाना चाहिए था। नहीं, हरगिज नहीं। तो ड्राइवर को भेजो, नहीं तो मैं जाती हूँ। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ। आखिर किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना, वो आज तक कभी इतना लेट हुआ ही नहीं है। वो बदमाश कहीं अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह। प्रकाश वो बदमाश नहीं है, तुम्हें उसके बारे में कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज प्लीज प्रकाश, उसे जाकर ढूंढो। देखो बाहर इतनी सर्दी है और उसने स्वेटर भी नहीं पहना है। अरे तुम फिक्र मत करो अमृता, थोड़ा सब्र करो, वो अभी कोई नई कहानी गढ़ता हुआ यहाँ पर पहुँच जाएगा अपने आप, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ। मम्मी, मम्मी, तरुण, मम्मी, तरुण, अमृता, खड़ी रहो यहाँ पे, चुपचाप। मम्मी, तरुण, मम्मी, तरुण बेटा, मम्मी, अमृता, मम्मी, तरुण, कहाँ रह गए थे तुम? मम्मी, मेरी मेरी स्कूल की बस छूट गई थी मम्मी, इसलिए मुझे सारा रास्ता चलकर आना घर आना पड़ा। झूठ बोलते हो तुम, तुम्हारे कहने पर मैं यकीन कर लूं कि तुम 10 मील पैदल चलकर आ रहे हो, पर तुम्हारी बस छूटी कैसे तरुण? मैं लेट हो गया था मम्मी। मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे थे। प्रकाश, ये बहस करने का वक्त नहीं है, देखो देखो वो बेचारा कितना थका हुआ है, उसे आराम करने दो। खड़ी रहो इधर अमृता, तुम्हें बाहर घूमने का बहुत शौक है ना तरुण बेटे, आज पूरी रात तुम घर के बाहर ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। नहीं, तुम पागल तो नहीं होगे? बाहर इतनी कड़क सर्दी पड़ रही है। नहीं डैडी, प्लीज डैडी, मैं थक गया हूँ डैडी, मुझे अंदर ले लो डैडी प्लीज। मैं तुम्हें हरगिज घर में घुसने नहीं दूंगा, चलो अमृता, चलो अंदर, चलो। डैडी, 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 डैडी। जब दरवाजा खोला तो तरुण को बेहोश पाया गया, उसे तेज बुखार था, फिर तरुण बच ना सका।
और उसकी माँ अमृता, वो बेचारी उसके गम में पागल हो गई। उसे भी उसी कमरे में बंद कर दिया गया और कई महीने के बाद वो भी चल बसी। कहा जाता है ऐसी घटनाएं जब होती है तो मरने वाले की आत्माएं वही भटकती रहती है, और शायद तुमने जो देखा सुना वो लड़का घर में आने की कोशिश कर रहा था और खिड़की पर खड़ी उसकी माँ उसके अंदर आने का इंतजार कर रही थी, और इसलिए शायद उसने मुझे धन्यवाद कहा। मैं ये तो जानता था कि कोई आपके कान में जहर घोल रहा है, लेकिन अब पता चला वो कौन है। आप तो कल आने वाले थे। मेरा काम जल्दी खत्म हो गया मिसेज रिया, इसीलिए मैं ठीक टाइम पे यहाँ आ गया। तो आप हैं जो मिसेज रिया के कान भर रही हैं, पुरानी बातें बताकर बकवास कहानियां उन्हें सुना रही हैं। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर प्रकाश, मैंने उस लड़के को और औरत को देखा है, तरुण और अमृता को। तरुण ने उस दिन ड्राइंग भी बनाई थी, आपने भी देखी थी। जो बीत गया उसकी कोई अहमियत नहीं है मिसेज रिया, लेकिन अभी इसी वक्त मैं आपको नौकरी से निकालता हूँ। मिस्टर प्रकाश, ये रहे आपके पैसे, मुझे आपका एक रुपया भी नहीं चाहिए। निकल अभी के अभी। मुझे चिंता तो सिर्फ कीर्ति की है, जो आप जैसे जालिम आदमी के साथ इस घर में फंसा हुआ है। काश मैं उसे जाने से पहले मिल सकती। मैं आपको उसके पास भी पटकने नहीं दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। शॉर्ट पैंट पहनी है और वो आपको घूर घूर कर देख रहे हैं। आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा मिस्टर प्रकाश? वहाँ कोई नहीं है मिसेस रिया। बाहर बाहर उधर बाहर मिस्टर प्रकाश, आपके पास खड़े हैं वो। आपके पास खड़े हैं वो। दिमाग खराब हो गया है, पक रही है। दिमाग खराब है वो, नहीं है इधर। आप मेरी बात मानिए मिस्टर प्रकाश, वो आपके पास ही खड़े हैं, आपके पीछे है वो। जाते जाते अच्छा मजाक कर रही है मिसेस रिया, मेरे पास खड़े हैं। आप प्लीज मेरी बात मानिए मिस्टर प्रकाश। कोई नहीं है मिसेस रिया। पागला, शहर जाकर किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से अपना इलाज कराओ। तुम पागल हो, मेरी पत्नी से भी ज्यादा पागल। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, और कोई चारा नहीं था। प्रकाश से बदला ले ही लिया। घबराओ मत अमृता, कीर्ति अब मेरे पास रहेगा।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।